फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ एक बिस्किट तोड़ के कितना खस्ता बना है। आप देख सकते हो, बिल्कुल खस्ता बना है और अच्छे से बेक भी हुआ है। सरस्वती डिलाइट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की ये जो रेसिपी है बहुत ही स्पेशल है। आज हम बनाने वाले हैं कराची बिस्किट्स, बिना अंडे के, बिना ओवन के, और बहुत यम्मी बनते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कितने अच्छे बने हैं, बिल्कुल मार्केट जैसे हमने घर पे बनाए हैं। तो चलो झट से शुरू करिए। एक बोल में हमने आधा कप सॉफ्ट बटर लिया है। ये अनसॉल्टेड बटर है, आप सॉल्टेड बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसे अब हम फेंट लेंगे अच्छे से। इसे हमने फेंट लिया है और इसमें अब हम डालेंगे आधा कप पिसी हुई चीनी, और चीनी डाल के दोबारा हम इसे बहुत अच्छे से फेंट लेंगे। पाउडर शुगर डाल के दोबारा से हमने इसे अच्छे से फेंट लिया है। अब देख सकते हो इसका जो मिश्रण है बहुत ही क्रीमी है। इसमें हम सूखी सामग्री डालेंगे। सबसे पहले एक कप मैदा, एक चौथाई कप कस्टर्ड पाउडर, ये वैनिला फ्लेवर वाली है कस्टर्ड पाउडर। अगर आपको कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना है या आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सेम अमाउंट डालेंगे। बेकिंग पाउडर ये है एक चौथाई टीस्पून, बेकिंग सोडा एक चौथाई टीस्पून, नमक हमने लिया है एक चौथाई टीस्पून। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से छान के डालेंगे इसमें। अब इसमें हम एसेंस डालेंगे। तो फ्रेंड्स, क्योंकि हम कराची बिस्किट बना रहे हैं, फ्रूट बिस्किट, तो इसमें फ्रूटी फ्लेवर होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं थोड़े से ड्रॉप्स पाइनएप्पल एसेंस के डालूंगी। तो यहाँ पे मैंने आधा टीस्पून के करीब वैनिला एसेंस डाला है और आधा टीस्पून के करीब पाइनएप्पल एसेंस डाला है। इम्पॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट है वो है टूटी फ्रूटी, वो हम इसमें डालेंगे। तो ये करीबन एक तिहाई कप हमने लिया है। उसी के साथ हम इसमें डालेंगे काजू के टुकड़े एक से डेढ़ टेबलस्पून। अब इन सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे थोड़ा मसल मसल के हम इकट्ठा लाएंगे। बिल्कुल भी हमें इसमें दूध पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। फ्रेंड्स, ये जो डो है हमने इकट्ठा लाया है, तो इसे अब हम ऐसे लॉग बनाए गए इसका पतला सा, और इसे हम थोड़ा सा स्क्वायर शेप देने का ट्राई करेंगे हम। आप यहाँ पे देख सकते हो मैं चारों साइड से इसे थोड़ा हल्का बेल दूँ जिससे मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर लॉग मिल जाए। आप चाहो तो राउंड भी इसे बना सकते हो। ये थोड़ा बहुत स्क्वायर शेप आया है तो इसे मैं इसी में रैप करके हम फ्रिज में रख देंगे। आप चाहो तो क्लिंग रैप भी इसे कर सकते हो। हम 15 से 20 मिनट के लिए इसे फ्रिज में। आज जो कराची बिस्किट्स है हम इस भगोने में बनाने वाले हैं। जिस तरह से मैं केक बताती हूँ उसी तरह से हम इसमें बनाएंगे। आप कढ़ाई कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अंदर हमने एक स्टैंड रखा है और इसे अब हम ढक देंगे। ढक के हम इसे 7 से 8 मिनट के लिए प्रीहीट करेंगे। फ्रेंड्स, 20 मिनट हो गए हैं और ये जो हमारा डो है बहुत अच्छे से सेट हो गया है। आप देख सकते हो हार्ड हो गया है। तो अब हम इसे कट कर लेंगे चौकोर में। कुछ इस तरह से हम बिस्किट्स कट कर लेंगे इस तरह। यहाँ पे हमने एक केक टिन लिया है, उसके अंदर हमने एक पार्चमेंट पेपर लगाया है, बटर पेपर, और उसके ऊपर हमने ये जो कुकीज़ है कराची बिस्किट्स है उसे हमने कट करके प्लेस किया है। इसे अब हम बेकिंग के लिए। हमारा ये जो बर्तन है वो भी अच्छे से प्रीहीट हो गया है, तो ये जो टिन है उसे हम अंदर रख देंगे और धीमी आंच पे हम इसे 12 से 15 मिनट के लिए हम इसे धीमी आंच पे बेक कर लेंगे। फ्रेंड्स, 15 से 20 मिनट हो गए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे ये जो कराची बिस्किट्स हैं बहुत अच्छे से फूल गए हैं और बेक हो गए। फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से ये फूल गए हैं तो इन्हें अब हम बाहर निकाल के ठंडा कर लेंगे। और फ्रेंड्स, जब ये गर्म होते हैं तब ये थोड़े सॉफ्ट होते हैं, जैसे ही ये ठंडे हो जाते हैं ये अच्छे क्रिस्प बन जाते हैं। साइज़ भी आप देख सकते हो कितने अच्छे से फूले हैं। तो फ्रेंड्स, आप एक बात का ध्यान रखें, आप थोड़ा क्लब करके ना रखें। यहाँ पे मैंने थोड़ा क्लब करके रखा है तो ये एक दूसरे को थोड़े चिपक से गए हैं। थोड़ी स्पेस रखें आप बीच। तो फ्रेंड्स, ये हल्के ठंडे हो चुके हैं तो एक एक करके मैं आपको बता देती हूँ।
आप देख सकते हो हल्का बादामी कलर आ गया है, बहुत अच्छे से बेक हो गए हैं, तो इन्हें अब हम सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, हमारे ये कराची बिस्किट तैयार है। बिना ओवन के हमने इसे बनाया है और बहुत यमी बनते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत अच्छे से बेक भी हुए हैं ये। और जैसे मैंने पहले कहा था, अगर आपको ज़्यादा डार्क चाहिए तो आप थोड़ी देर और आप इन्हें रख सकते हो, पर नॉर्मली धीमी आँच पे 20 मिनट में ये हो जाते हैं, 20 से 25 मिनट में। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ एक बिस्किट तोड़ के कितना खस्ता बना है। आप देख सकते हो बिल्कुल खस्ता बना है और अच्छे से बेक भी हुआ है।